स्टार प्लस के मशहूर सीरियल गुम है किसी के प्यार के एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं। तो आज यह क्लियर हो गया है कि सही आशिका रजत की बेटी है, ना कि अर्श और आशिका की, क्योंकि आशिका ने खुद यह बात कबूल कर ली है और अर्श से कहा है कि तुम अपनी दुश्मनी रजत से निकालो, सई को क्यों घसीट रहे हो, उसकी पहचान ही छीन रहे हो उससे। आशिका साफ मना कर देती है अर्श को, लेकिन अर्श ने फिर से आशिका को यह कह दिया है कि सई की कस्टडी मिलते ही आशिका से वह शादी कर लेगा। यह सुनकर आशिका फिर से उसके जाल में फंसने वाली है हर बार की तरह, क्योंकि अर्श तो उससे झूठ बोल रहा है, ना वो आशिका से शादी करेगा ना ही सई को अपनी बेटी मानता है। लेकिन यहाँ पर उसने जो गेम चला है उसमें फिर फंस जाएगी आशिका, और यह सुनने के बाद वह अर्श का साथ देगी और कहेगी कि मीडिया के सामने झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाएगी और मीडिया से कहेगी कि असली पिता रजत नहीं अर्श है, इसलिए सई की कस्टडी उसके असली माँ बाप को मिलना चाहिए, यानी कि मुझे और रजत को नहीं, आशिका और अर्श को। तो आने वाले एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं और नए नए ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।